सामने से कोई मुनि आ रहा है, पकड़ते हैं उसे। चलो चलो पकड़ते हैं। अरे मुनि जी कहाँ जा रहे हो, हमें देखकर डर नहीं लगता? अरे मुनि जी क्यों आपको हमसे डर नहीं लगता? नारायण नारायण। अरे वत्स, तुम ये लूटपाट का काम क्यों करते हो? क्या करें मुनि जी, गुजरान चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। नारायण नारायण, पर तुम ये सब लूटपाट और गलत काम करते हो, उसमें जो पाप लगेगा उसमें तुम्हारा परिवार हिस्सेदारी लेगा क्या? अवश्य लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, मैं उसके लिए तो ये सब कुछ करता हूँ। नारायण नारायण। अरे वत्स, इतनी भी भ्रमण में मत रहो, एक बार पूछ कर तो देख लो, ये तुम्हारे साथीदारों को भी पूछ लो, क्या तुम्हारे पाप में भागीदारी बनेंगे? साथीदारों, क्या आप मेरे साथ नहीं देंगे? हम सबको साथ में ही सबको लूटते है ना। नारायण नारायण। देखा वत्स, अभी भी तुम्हें भरोसा है तो अपने परिवार जनों को भी पूछ कर देख लो। हाँ, अब तो मुझे मेरे परिवार को भी पूछना ही पड़ेगा, पर मैं आप पर भी ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ? मैं पूछने जाऊँ और आप चले जाओ तो अब तो आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता। नारायण नारायण। यदि वत्स तुम्हें रति भर भी भरोसा है तो मुझ पर भरोसा कर सकता है। नहीं, मैं आपको पैर के साथ बांध कर ही जाऊंगा। आओ साथियों, मुनि जी को हम पेट के साथ बांध देते हैं। चलो प्रिय, क्या तुम मेरे पाप में हिस्सेदारी लोगी? माफ करना स्वामी, लेकिन आपके पाप में मैं कैसे हिस्सेदार बन सकती हूँ? बच्चों, आप मेरे पाप में मेरे साथ हिस्सेदारी लोगे ना? माफ करना पिताश्री, हम आपके पाप में आपके साथ कैसे रह सकते? मुनि जी मुझे माफ करना, मैं तो समझता था कि मैं जिसके लिए जिसके साथ मिलकर यह सब काम करता हूँ तो सब लोग मेरे पाप पुण्य सब में मेरे साथी है, पर वास्तविकता आज पता चली। नारायण नारायण, बस यही संसार का नियम है, पाप में हमारा कोई साथी नहीं होता। किंतु मुनि जी, अब मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? मैंने तो अब तक बहुत सारे पाप किए। नारायण नारायण, राम नाम जप्त बस यही एक नाम है जो तेरा उद्धार कर सकता है। जो आपकी आज्ञा मुनिवर जी, मुझे सही राह दिखाने वाले गुरुवर जी, मैं अब सब कुछ छोड़कर राम नाम ही चलूं। प्रणाम गुरुवर। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम ब्रह्म अवतार हो गए हो, अब से तुझे सारा संसार वाल्मीकि के नाम से जानेगा। धन्यवाद गुरुवर। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में की और हम सबको एक धार्मिक ग्रंथ मिला।